हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। आज फिर एक और वीडियो आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे वो है कुछ हिंदी में पहले बहुत सारा और उसके बाद आगे लिखा हुआ है इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम। टॉपिक ये है, पता नहीं हिंदी में क्या लिखा है, कुछ हिंदी में लिखा हुआ है और वो क्या लिखा हुआ है वो आप बताएं हमें कमेंट करके। आई होप कोई अच्छी बात ही हो। ओके सो लेट्स सी, देखते हैं 1 2 3। और इस चैनल के मजीद वीडियो अगर देखना चाहें तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। सी 1 2 3 को। अगर आपने अब तक भाग एक नहीं देखा तो अभी ये वीडियो पॉज करें और डिस्क्रिप्शन में भाग एक का लिंक क्लिक करें। पिछले भाग में आपने देखा क्या है भारत की न्यूक्लियर अटैक पॉलिसी और साथ ही आपने ये जाना क्या है न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ पाकिस्तान। अब आगे, जब अमेरिका के ट्विन टावर्स पे दो प्लेन आकर क्रैश हुए तब दुनिया को जरूरत महसूस हुई एक सुरक्षा कवच की, एक हवाई सुरक्षा कवच की जो महत्वपूर्ण स्थानों संस्थानों को किसी भी प्रकार के हवाई हमले से बचा सके। और तब जन्म हुआ एयर डिफेंस शील्ड का। ऐसा नहीं कि इससे पहले दुनिया में एयर डिफेंस सिस्टम ईजाद नहीं हुआ था, लेकिन जब अमेरिका पर हुए उस हमले में यात्रियों से भरे हवाई जहाज का इस्तेमाल किया गया तो पूरी दुनिया सहम गई। उस वक्त के एयर डिफेंस रडार दुश्मन देश से आने वाले फाइटर जेट या किसी अनमैन्ड एरियल व्हीकल को ट्रैक कर न्यूट्रलाइज करने की क्षमता तो रखते थे, पर अगर देश के अंदर का ही कोई यात्री विमान इस किस्म के हमले करने के लिए इस्तेमाल किया गया तो उस वक्त का एयर डिफेंस इस अनप्रेसिडेंटेड हमले का सामना करने के लिए बिल्कुल भी केपेबल नहीं था। इस हमले के बाद दुनिया के सभी देशों ने जिनके पास ये टेक्नोलॉजी थी उन्होंने अपने देश के हवाई सीमाओं की सुरक्षा के लिए या तो खुद के एयर डिफेंस शील्ड बनाए या अमेरिका और रूस या इसराइल से खरीदे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि भारत के पास किस तरह का एयर डिफेंस शील्ड है और क्या भारत का एयर डिफेंस शील्ड न्यूक्लियर हमलों को भी नाकाम कर सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि इस वीडियो की कोई भी जानकारी क्लासिफाइड नहीं है और विभिन्न भारतीय टीवी चैनल्स में प्रसारित की जा चुकी है। सारी जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाई जा रही है वो पब्लिक डोमेन में है, सार्वजनिक है। भारत की एयर डिफेंस शील्ड। भारत के डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बेहतरीन टू टीयर मल्टीलेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड विकसित कर ली है जो भारतीय वायु सीमा ही नहीं बल्कि हमारी वायु सीमा के ऊपर वायुमंडल के पार एक्सो एटमॉस्फेयर में भी दुश्मन के न्यूक्लियर मिसाइल्स या कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल, फाइटर जेट्स, हाईजैक प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स सभी को एक ही झटके में नस्तनाबूद कर सकती है। भारत की इस टू टीयर सरफेस टू एयर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड की दो खासियतें हैं। एक, इसका जबरदस्त रडार जो लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार कहलाता है, ये एक साथ 200 से ज्यादा दुश्मन की मिसाइल हवा में ही ट्रैक कर ध्वस्त कर सकता है और एक साथ कई टारगेट्स को हिट कर डिस्ट्रॉय कर सकता है। डीआरडीओ द्वारा विकसित इस एयर डिफेंस शील्ड के तहत दो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम काम करते हैं, एक जो एक्सो एटमॉस्फेयर लेवल पर मार सकता है यानी कि जमीन से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर, वो है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम पीएडी पैड। अगर टारगेट फर्स्ट टीयर में किसी कारण मिस हो जाए तो सेकेंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम एएडी जो 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर किसी भी टारगेट को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है। सिर्फ यही नहीं, भारत ने नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम के तहत अमेरिका की रीथियन कंपनी और नॉर्वे की कॉन्ग्सबर्ग कंपनी द्वारा निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदा है। यह और भी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन की मिसाइल, एयरक्राफ्ट, ड्रोन या यूएवीज डिटेक्ट, एंगेज और डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका नाम है NASAMS-2 यानी कि NASAMS-2। NASAMS-2 सिस्टम में स्लैम डैम मिसाइल और AMRAAM मिसाइल का इस्तेमाल होता है जो 55 किलोमीटर से 180 किलोमीटर रेंज तक किसी भी एयरबॉर्न एनिमी मिसाइल को ध्वस्त कर सकता है। NASAMS-2 सिस्टम इतना लाइट वेट है कि इसे बड़े आराम से आर्मी ट्रक्स में लोड किया जा सकता है और ये क्विक रिएक्शन दे सकता है। 360 डिग्री एयर प्रोटेक्शन देने वाला यह सिस्टम बेहद सोफेस्टिकेटेड 3D सेंटिनल रडार से लैस है। इन एंटी बैलिस्टिक सिस्टम्स के अलावा भारत ने यूएसए, रशिया और इसराइल से भी बेहतरीन एयर डिफेंस शील्ड सिस्टम खरीदे हैं, जिसमें सबसे बेहतरीन है रूस का S-400 सरफेस टू एयर एंटी क्राफ्ट सिस्टम। अमेरिका के थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम से भी शक्तिशाली रशियन S-400 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। S-400 120 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक किसी भी एयरबॉर्न थ्रेट को इंटरसेप्ट करने की काबिलियत रखता है। इसका रेंज तो शानदार है ही, साथ ही इसका रडार भी बेहद शक्तिशाली है। रूस के इस सिस्टम का रडार डिटेक्शन सिस्टम जैम प्रूफ है यानी कि इसे जैम नहीं किया जा सकता। साथ ही ये 600 किलोमीटर दूर से ही हवा में किसी भी प्रकार की हरकत को भाप सकता है। एक साथ छोटे से छोटे और बड़े से बड़े 100 से 300 एनिमी थ्रेट्स को डिटेक्ट कर सकता है।
आवाज की गति और उससे भी ज्यादा गति वाली मिसाइल से लैस है ये सिस्टम। सोनिक एंड सुपरसोनिक स्पीड वाली मिसाइल से लैस ये सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज में एक साथ 36 टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है, यानी कि ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी इसकी जद से पार नहीं पा सकती। तो दोस्तों, ये थी भारत की अभेद्य सरफेस टू एयर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड। क्या हम बताना चाहेंगे कि DRDO ने 2000 से 5000 किलोमीटर तक की इंटरसेप्टर मिसाइल डेवलप कर ली है प्रोग्राम ADD यानी कि एडवांस्ड एयर डिफेंस के तहत, जो परीक्षण के बाद भारतीय सेना को जल्द ही सौंपी जाने वाली है। अब आते हैं उस सवाल पर कि अगर ऐसा हुआ कि किसी फ्रिंज ग्रुप के हाथों, किसी उग्रवादी ग्रुप के हाथों न्यूक्लियर वॉरहेड लग गए और उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली पर हमला बोला तो क्या होगा। स्टेप वन, पहले तो भारत की सैटेलाइट हरकत में आएंगी। यहाँ हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल जब लॉन्च की जाती है तो उन्हें भारी मात्रा में ईंधन जलाना पड़ता है ताकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को हराया जा सके और मिसाइल को ऊपर उठने के लिए जरूरी थ्रस्ट मिल सके। इससे काफी ज्यादा मात्रा में हीट एनर्जी निकलती है जो आराम से हमारे इंफ्रारेड सेंस करने वाली सैटेलाइट्स के पास हीट सिग्नेचर के रूप में दिखाई दे सकती है और इसकी जानकारी कमांड सेंटर को फॉरवर्ड की जा सकती है। स्टेप टू, जैसे ही ऐसी किसी एनिमी थ्रेट की जानकारी मिलती है तो देश का नेशनल एडवांस कमांड सेंटर भरपूर कोशिश करता है कि थ्रस्ट फेस में ही जब मिसाइल ऊपर एटमॉस्फेयर को क्लियर कर गति पाना चाहती है उसी फेस में उसे ध्वस्त कर दिया जाए ताकि अगर न्यूक्लियर मलबा गिरे भी तो लॉन्च जहां से किया गया है उसी देश पर गिरे। स्टेप थ्री, अगर इन केस एनिमी मिसाइल थ्रस्ट फेस पार कर लेती है तो उसे DRDO द्वारा विकसित टियर 1 एक्सोएटमॉस्फेरिकल प्रोटेक्शन देने वाली पृथ्वी एयर डिफेंस से निपटना होगा, जो कि असंभव है क्योंकि पृथ्वी एयर डिफेंस अचूक वार करने के लिए बनाई गई है। स्टेप फोर, अगर किसी कारण टियर 1 पृथ्वी एयर डिफेंस फेल भी हो जाए तो तुरंत टियर 2 एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा जिससे बच पाना भी मुश्किल होगा और उसके बाद बारी आती है NASAMS-2 की S-400 सिस्टम की। दोस्तों, भारत पूरी तरह से सेफ है इस किस्म के हवाई हमलों से। भारत की मल्टीलेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड अभेद्य है और चूंकि ये जानकारी पब्लिक डोमेन में है, सार्वजनिक है, तो हमें नहीं लगता कि कोई देश ऑफिशियली भारत की शांति भंग करने की कोशिश भी करेगा, वो भी न्यूक्लियर अटैक से। आशा करते हैं 2 एपिसोड्स की ये सीरीज आप सबको पसंद आई होगी। अगर आप सब समय यात्रा पर सीरीज देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए। कमेंट की संख्या के आधार पर हम तय करेंगे कि ये सीरीज करनी है या नहीं। धन्यवाद। क्या कहते हो इसके बारे में? वीडियो तो काफी अच्छी बनाई हुई थी, काफी डिटेल से हिस्ट्री से स्टार्ट किया गया और फिर उसकी क्यों जरूरत महसूस हुई, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया वो। मुझे इस वीडियो को देख के ना इस तरह लगा हुआ जिस तरह पूरा एक आर्टिकल नहीं लिखा होता इस टॉपिक के ऊपर, पूरा एक्सप्लेन किया होता है। तो काफी मेहनत करके काफी ना डिटेल से इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो इवन फंक्शनैलिटी का स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था। काफी मतलब मेरे ख्याल से अगर किसी के एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना इससे रिलेटेड तो वो भी आंसर कर सकता होगा, इतना एक्सप्लेन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ था। खैर, बाकी इसमें वो एक डिफेंस सिस्टम की बात हो रही थी S-400, उसके बारे में मैंने काफी सुना जो रशियन ओरिएंटेड है। अच्छा, रशियन टेक्नोलॉजी। हाँ, मोस्टली बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो अटैक है उसको नाकाम करने के लिए ये काफी सारा बन रहा है। अब मतलब इस सारी वीडियो में जो एक चीज मैं सोच रहा था कि मतलब जो कंट्रीज के हालात जो खराब होते हैं ना तो कितना ज्यादा फोकस चला जाता है डिफेंस सिस्टम के ऊपर, उस सारे के ऊपर, और कितनी ज्यादा और कितना ज्यादा एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम कंपेयर करें ना यूरोपियन कंट्रीज में तो उनके जो डिफेंस, क्योंकि वहां पे क्लैशेस नहीं है ना इश्यूज के, तो उन लोगों के उतना एक्सपेंसेस नहीं आ रहे होते इन चीजों के ऊपर। यहाँ पे बहुत ज्यादा इस रीजन के जो कंट्रीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट है कि वो डिफेंस पर खर्चा करें। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब क्लैशेस आते हैं ना कंट्रीज के दौरान तो फिर कितना ज्यादा मतलब चाह नहीं रहे होते, खुशी से नहीं कर रहे होते, लेकिन ये जो बजट बन गया है डेवलपमेंट पे लगाया जाए तो काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन ये मजबूरी बन जाती है हर कंट्री की। हालात इस तरह से चल रहे होते हैं कि हर कंट्री को बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा होता है। जैसे चाइना बहुत ज्यादा करता है अपने लिए तो साथ ही इंडिया उसके मुकाबले में करना शुरू हो जाता है, इंडिया बहुत सारा करता है फिर पाकिस्तान करना शुरू हो जाता है, इसी तरह वो पूरा एक ना वो चलता रहता है और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन चीजों पे लगती रहती है। अल्टीमेटली कहीं तो स्टॉप होना चाहिए ना इसे। और मतलब ये जो एंटी मिसाइल सिस्टम है इसके नेक्स्ट भी कोई चीज होगी, चलता रहेगा ठीक है। तो लेकिन फिर भी इसकी रिक्वायरमेंट है, ये होना चाहिए, हर कंट्री का डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, वो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगर
जो इन कंट्रीज के जितने क्लैशेस चल रहे हैं अगर वो रिजॉल्व हो जाएं तो बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाएंगी चीजें। तो ऑब्वियसली बात है, मेरा किसी की कोशिश यही होनी चाहिए कि पहला पॉइंट पीस हो, एग्जैक्टली उसके बाद किसी और अल्टरनेटिव। मेरा इतनी पूरी वो सारी बात करने का मकसद यही था कि अगर जितने इश्यूज हैं, और इश्यूज तो ऑब्वियसली हैं, अगर वो उनके सोल्यूशन की तरफ फोकस शुरू हो जाए और सारे बैठ के मेहनत करें उसके बारे में कुछ करने की, तो बहुत सारे ये इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाएंगे कंट्रीज को, ट्रेड रूल्स और पता नहीं क्या क्या व्हाट्सएवर। सो जब भी इस तरह की कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसके बाद एक ही पॉइंट आता है कि वी होप कि कभी किसी को ऐसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े और जितने इश्यूज हैं कंट्रीज़ के आपस में वो मिल बैठ के किसी तरह से सॉल्व कर पाएं। देवान से यही हम बात करते हैं और वी होप के मतलब मोस्टली जो लोग हैं दोनों साइड पर उनकी यही ख्वाहिश है। और हमें एक चीज़ जो करनी चाहिए, हर स्टेप जो पीस की तरफ लिया जाता है किसी भी साइड से उसको सपोर्ट करना चाहिए, और जो भी एग्रेशन की बात है उसको थोड़ा सपोर्ट नहीं करना चाहिए। यार आप लोगों का क्या कमेंट इसके बारे में, इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहें, इस चैनल के मजीद को वीडियो देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसके बारे में कुछ कहना चाहें तो कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को रिंग करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन खुदा हाफिज़।